वेलकम बैक अगेन। आई एम सो हैप्पी कि जो मैंने अपना लास्ट एनएम ट्विस्टर्स का सेशन डाला था नेशनल इनकम पे, वो आपको बहुत बहुत पसंद आया। मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके लिए, एंड देयर वाज अ स्पेशल डिमांड कि सर प्लीज इसके नेक्स्ट कंटिन्यूइंग सेशन को भी जल्दी से यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। सो फॉलोइंग दिस, इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेशन यानी पार्ट टू ऑफ दिस ट्विस्टर्स मैंने अब आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डालने का प्लान कर लिया है। राइट, हम इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल बी स्टार्टिंग इट इमीडिएटली। राइट, स्टार्टिंग दिस। पहला एट का फर्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? द ब्रांच ऑफ एसबीआई इन इंग्लैंड है या नहीं है? नो, नहीं। ठीक है, इंडियन एम्बेसी इन चाइना? यस यस यस। हां जी। A building rented out by an Indian to US embassy in India? No. ये domestic ID का part नहीं होगा? Yes, तारीफ होना चाहिए। ये होगा? होगा, ये rent पे दिया। Building is in India. Yes. US embassy is not a part of India, but building की बात हो रही है। ठीक है ना? अच्छा सर, बिल्डिंग के बात है। देन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया? नो नो। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया? यस यस। फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन? यस यस। हां जी, बढ़िया। नेक्स्ट, कौन सा फैक्ट इनकम है फ्रॉम अब्रॉड या नहीं है? फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो सैलरी ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया है या नहीं है? यस सर। देन रेंट रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडियन फ्रॉम अ बिल्डिंग रेंटेड आउट टू जापानीज एम्बेसी? Yes. 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 Okay. Remittances from non-resident Indian to their families in India? No. So you know, to get transfer income. Income. All right. Next, dividend received by an Indian from a non-resident company located in Singapore. Yes. 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 And salary of Indian ambassador posted at Indian embassy in China? No. 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 ये इंडिया को, इंडियन को इंडिया से मिल रही है, right? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। We classify the following into stocks and flows. Investment. Flow. Flow. Mineral wealth of India. Stock. Stock. Profits of a company. Slow. Slow. Depreciation. Slow. Slow. Next, give the formula of converting nominal GDP into real GDP. Nominal GDP upon GDP deflator into it. GDP deflator ka formula kya tha? Nominal GDP nominal GDP upon real GDP into 100. Right. Nominal GDP upon real GDP into 100. अब हमने क्या करना है इसमें, नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है। तो नॉमिनल पता है, रियल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डीफ्लेटर इनटू 100। राइट। Okay, next. Why is interest? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। Why is interest paid by consumers not after payment? क्योंकि वो consumption purposes के लिए ली गई थी। Yes, 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 product. Yes, yes. Because
consumers would be using such amount for consumption purposes and not for production purposes. Right. Okay. Next, give an example of an activity that contributes to economic welfare but not included in GDP. Batayega. So, mother cooking food for children. Also, first of all, in my mind, this comes. Mother cooking food for her children. Doctor treating his own child. क्या चीज कह रही है टीचिंग हिज ओन चाइल्ड डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन चाइल्ड रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक जाम ड्यू टू मेट्रोस और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड कहां होता है ये तो बात जीडीपी में इंक्लूड तो ना कर तो वही तो बताना कि जो नहीं तो वही तो बताना जो नहीं नहीं जो नेशनल इनकम में तो अच्छा नहीं होता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके सारी एक्सटर्नलिटीज आ जाएगी ना हाँ यस इनडायरेक्टली नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सटर्नलिटी व्हिच रिड्यूसेस वेलफेयर ऑफ द पीपल कार्स से जो पोल्यूशन हो रहा है पोल्यूशन बाय फैक्ट्रीज राइट वाटर या एयर पोल्यूशन है ना यस सर Yes, sir. Next, name a product whose value is included in GDP but its consumption reduces welfare. Cigarette, liquor. Cigarette, liquor. Production of cigarette. Liquor or cigarette. Badhiya. Next, what are the cherry cost ka part nahi hai, ye cost ka part nahi hai, ye cost ka part nahi hai. Ninth, the value of nominal GNP of an economy was 2500 crores in a particular year. The value of GNP of that country in the same year was 3000. Calculate the value of GNP deflator in percentage terms. And has the price level risen between the base and the year under consideration or not? But now GNP deflator ka formula kya ho jayega? Nominal GNP upon real GNP 200. It is nominal GNP. Upon real GNP into 100. Nominal GNP kitna hai 2500. Yes sir. Real kitna hai 3000 into 100. Kya hai answer? It is 3.33%. Yes sir. So ye kyunki 100 se kam hai. So it does mean that there is deflation of 16.66%. Right? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Price have not. देखो 100 से जितना ज़्यादा होता है जैसे कुछ 120 होता तो 20% inflation होता 100 से जितना कम हो रहा है नहीं उतना क्या हो रहा है वो deflation हो रहा है right? Okay. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टेंथ का फर्स्ट पार्ट ये दूसरे भी आदमी कौन सा समझ नहीं आया नाइन्थ वाले में क्या डाउट है आवाज कट गई है उसमें नाइन मिल गया जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्लियर है वंश हाँ सर ये तो पता है और इससे वैल्यू 83.33% आ रही है यस सर हम बता रहे थे अगर ना आपकी वैल्यू जितनी 100 से ज्यादा आती है ना उतने की इन्फ्लेशन होती है और जितनी 100 से कम आती है उतने की डिफ्लेशन होती है इसमें 16 पॉइंट समथिंग होगी वो डिफ्लेशन 16.67% की डिफ्लेशन हो रही है ठीक है सर सही है गुड ओके ये 10th का पहला पार्ट
gross domestic capital formation is always greater than gross fixed capital formation. True or false? Manmeet batao. False. Why? Why? Sir, क्योंकि अगर change in inventory minus में हुआ तो sir वो कम हो जाएगा जो gross domestic capital formation. अच्छा वैसे change in inventory minus में कब होगा जब क्या किससे बड़ा होगा? जब closing stock बड़ा होगा. नहीं जब opening stock बड़ा होगा closing से. ओके बढ़िया परफेक्ट. मैं एक बार ना इसको लिख के समझाता हूँ अच्छे से. एक्चुअली में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस fixed capital formation plus change in stock. So change in stock is closing stock माइनस ओपनिंग स्टॉक. देखकर ये फॉर्मूला देख के तो लगता है यार कि क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्लस ही होगा. मतलब लाइक अगर हम बोले ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1000 है और चेंज इन स्टॉक 200 है तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा वो 1200 आएगा विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. पर हम आपको बता दें आपकी सोच बहुत ही जल्दी गलत होने वाली है क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो 1000 है बट चेंज इन स्टॉक 200 होने की बजाय -200 हो सकता है. ये कब होगा? जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से ज्यादा होगा. लाइक सपोज करो कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 400 है और ओपनिंग स्टॉक 600 है तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? -200 हो जाएगा. ऐसे में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ जाएगा? 800 विच इज लेस देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये फॉल्स कब होगा? यू कैन राइट इफ चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव और व्हेन opening stock is greater than closing stock. Right? Is this okay? Next question. Free services provided by the government are not included in national income. False. Yes, because expenditure on providing free services like hospitals is a part of final expenditure by government which is of productive nature. Next, payment of electricity bill by a household is a part of private final consumption expenditure. True or false? True. As it gives final satisfaction, it's a final expenditure. Then imports are not included in national income. True or false? False. True. They are not included in national income. Why? True, I would say. Minus. True. Minus. 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 Minus
नेट एक्सपोर्ट में तो हो जाते हैं बिकॉज द गुड विच आर बीइंग इंपोर्टेड आर प्रोड्यूस्ड outside the economic territory by the non-residents. Right? Is this clear? So, it's a weird sa question, hai, but if some Indian bahar jaake goods India mein export kare, but wo resident Indian ka, India ka hi hai, to fir wo uska kya karenge? स्टिल वो ना बाहर ही बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट पर कैपिटा जीडीपी इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर देन जीडीपी ट्रू या फॉल्स ट्रू व्हाई पर कैपिटा पर पर्सन बताता ना तो पर पर्सन बता देगा पर कैपिटा में तो यस बिकॉज इट गिव्स अ बेटर पिक्चर With respect to population, करके ले। हाँ। Respect to population as well as per person। सर जो final consumption वाला question था, उसमें सर यही reasoning लिखनी है, as it gives satisfaction। हाँ और final expenditure है। आगे इसे and it is the final expenditure by the household. नेक्स्ट ये अगेन 11th सुपर क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत अच्छा नेशनल इनकम एट प्राइस कब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के इक्वल होगा प्राइस ऑफ बेस ईयर इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर प्राइस ऑफ बेस ईयर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर यस एंड जीडीपी डिफ्लेटर इज 100 हां ये भी बहुत अच्छा बोला तुमने बहुत बढ़िया करंट वाला आंसर बहुत अच्छा था When base year price gets equal to current year price. Or when GDP deflator is 100. Now, next question is when gross domestic capital formation gets equal to gross fixed capital formation? When closing stock equal to opening stock. All could be reason ho sakta hai. Change in stock zero. Change in stock zero. Yes. When closing stock gets equal to opening stock. Ye to ek hi reason ho gaya na. हाँ हाँ किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो बात एक ही है अब अपने पेपर में ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं देते उसमें तो आप कुछ क्या चीज़ थोड़ा लाउडली बोलना अपने पेपर में आप ऐसे वाले क्वेश्चन क्यों नहीं देते पेपर में सिंपल लाते हैं अलग ही देते बट ये भी ना अच्छे होते हैं क्योंकि लॉजिकल होते हैं वो तो जो आपने वो दिया था एफईआर वाला जो उस दिन गलत हो गया नेक्स्ट में ऑपरेटिंग सरप्लस कब रेंट प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होगा जब प्रॉफिट और रॉयल्टी जीरो होगी बहुत बढ़िया व्हेन प्रॉफिट एंड रॉयल्टी इज जीरो सर रेट्स भी कुछ होगा वो रेंट एंड रेट्स इकट्ठे हो नहीं रेंट एंड रेट्स वो जनरली लिखा होता है बट वो कोई कंपोनेंट नहीं वो हमने तीन आर करके कुछ याद करवाया था ना रेंट रेट्स रॉयल्टी रेंट रॉयल्टी नहीं तीन आर नहीं थे दो ही थे आर आर आई पी था रेंट रॉयल्टी एक ही बात था और इंटरेस्ट और प्रॉफिट था अच्छा लास्ट व्हेन वेजेस एज कंपनसेशन प्राइस के इक्वल कब होगा
जब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम जीरो हो जाए. जीरो हो जाए. बढ़िया. तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज जीरो. नेक्स्ट, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Give reasons explain the treatment assigned to the following. Assigned to the following while estimating national income. Expenditure on purchase of medicines by a government hospital, or expenditure on the purchase of medicines by Apollo hospital. क्या difference होगा इनकी treatment में? तो फर्स्ट होगा वो उसका पार्ट होगा जीएसटी का. ठीक है. और सेकंड वाला उसका होगा जीएसटी. सुनना ध्यान से. सबसे पहली बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज नॉट अ फर्म, जो जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सिंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज नॉट अ फर्म, it is the expenditure of general government. So it becomes a part of government final consumption expenditure. राइट. मैं शुरू से बताता हूँ, जनरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फॉर्म के बीच में डिफरेंस करना सीखो. वाइल अपोलो हॉस्पिटल इज अ प्राइवेट फॉर्म, तो गवर्नमेंट फॉर्म का एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट फॉर्म का क्या होता है एक्सपेंडिचर? तो लाउडली बोलना. तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट फॉर्म का एक्सपेंडिचर क्या होता है फिर? गवर्नमेंट फर्म जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ये कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो डिफरेंट चीज हो जाएगी. वो इंक्लूड नहीं होता इसमें? उनके लिए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो नहीं इंक्लूड होगा. अपोलो, अपोलो का भी नहीं होगा? हाँ, सिंस अपोलो हॉस्पिटल इज अ प्राइवेट फर्म, फर्म है, और फर्म का सिर्फ कैपिटल गुड्स पे खर्चा इंक्लूड होता है. सो एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, मेडिसिंस बाय दिस प्राइवेट फर्म बिकम्स एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. So it will not be included in national income. While जो ऊपर वाला था, it will be included in national income. Next is transport expense is not a part of final expenditure. It is an expenditure by a firm. It is an intermediate expenditure. हैप्पी कि आप लोगों को ये सारे सेशंस बहुत पसंद आ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी बन रहे हैं. ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड्स के पेपर बहुत ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में कई तरह की नेगेटिविटीज हैं जो अटैक कर रही होती हैं. बिलीव मी, नेगेटिविटीज से आउट आने का एक ही प्रोसेस है, पॉजिटिव माइंडसेट. मैं एक बात हमेशा खुद से कहता आया हूँ, दैट आई एम द बेस्ट, और ये बात मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाता हूँ, ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग आई एम द बेस्ट, I am the best. I am the best. Obviously, you will be the best. Thank you so much. अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई को ऐसे कंटिन्यू बना के रखिएगा. बाय बाय. थैंक यू. हाँ, एक बात और,
अगर नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टिल कोई डाउट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बताया था, एक बहुत अच्छा हमने सेशन ला रखा आपके नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स को क्लियर आउट करने का, राइट? थैंक यू। अब फाइनल वाला बाय बाय, टेक केयर।